हेलो फ्रेंड मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी ओ वी टी जॉब्स फोर यू में आपका स्वागत है यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में नॉन टीचिंग के विभिन्न पद के बारे में बताने वाला हूं लाइब्रेरी साइंस सहित नॉन टीचिंग के विभिन्न पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हैं इस चैनल के द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किया गया है और जो भी वीडियो बनाया जाता है उसका एडवर्टाइजमेंट उस व्हाट्सअप ग्रुप में सेंड कर दी जाती है साथ ही कुछ ऐसे भी वीडियो जो मैं टाइम के अभाव में नहीं बना पाता हूँ वो एडवर्टाइजमेंट उस ग्रुप में सेंड कर देता हूँ तो आप चाहते हैं तो उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और यह सबसे बड़ी वैकेंसी है जो हरियाणा में आया है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ इसमें लाइब्रेरी साइंस सहित विभिन्न पदों पर सरकारी नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हैं तो इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ अप्लीकेशन शुल्क के बारे में तो अप्लीकेशन शुल्क थोड़ा सा हाई है तो सबसे पहले जनरल ई और ई कैटेगरी में दो हज़ार रुपया अप्लीकेशन शुल्क हैं फीमेल जनरल ऑफ़ हरियाणा स्टेट के लिए यदि हरियाणा स्टेट से आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए पाँच सौ रुपया अप्लीकेशन शुल्क हैं ए सी बी सी ए बी सी बी ई डब्ल्यू एस कटगरी ऑफ हरियाणा के लिए पाँच सौ रुपये अप्लीकेशन शुल्क हैं और ऐसे कैंडिडेट जो हरियाणा के हैं जो डिसेबल हैं या बैच मार्किंग में हैं उनके लिए कोई भी अप्लीकेशन शुल्क नहीं है इस बात का ध्यान में रखना है और आपको बता देता हूँ कि यह जो भगत वैकेंसी आई है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय हरियाणा में यह आवेदन आमंत्रित हैं जो वैकेंसी है लाइब्रेरी अटेंडेंट क्लर्क क्लर्क कंप्यूटर असिस्टेंट टेक्निकल असिस्टेंट असिस्टेंट सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट सहित विभिन्न पद हैं जैसे सुपरिटेंडेंट असिस्टेंट रजिस्ट्रार यानी विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं जैसा कि दिखाई दे रहा है तो इन सभी पदों के बारे में हम डिटेल जानकारी बताऊंगा और कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है ये भी डिटेल जानकारी बताऊंगा तो सबसे पहले मैं आता हूं इसको स्क्रॉल करके ऊपर क्योंकि 58 पेज का यह एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है विभिन्न पदों के बारे में और यह जानना जरूरी है आपके लिए कि किस पद के लिए कौन सा अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि यह जो वैकेंसी है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय हरियाणा में आवेदन आमंत्रित हैं अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे पोस्ट के बारे में डिटेल जानकारी देखते हैं सबसे पहले देखते हैं ऑनलाइन अपलीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि के बारे में तो ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना अभी शुरू नहीं हुआ है बारह फरवरी दो से आप ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे अभी ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू नहीं है ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि चार मार्च दो तेईस है चार मार्च दो हज़ार तेईस तक आप ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे अब हम बात करते हैं कि अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको नोटिफिकेशन को केयरफुली पढ़ना एक बार जरूरी है और व्हाट्सअप ग्रुप में या नोटिफिकेशन में डाल दूंगा जहाँ से आप डिटेल जानकारी प्राप्त कर पाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा आपको अब हम बात करते हैं विभिन्न पद के बारे में और इससे संबंधित और डिटेल के बारे में तो देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर दिया है यहाँ पे पद का नेम और पे स्केल यानी सैलरी दी गई है यहाँ पे टोटल पद और पदवार पोस्ट कोड यहाँ पे दी गई है इसके अलावा नंबर ऑफ़ वैकेंसी कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है और एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दी गई है और यहाँ पे जो है कि क्वालिफिकेशन के लिए पेज नंबर आपको कौन सा पढ़ना है क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है उसके लिए एन वाइज आपको दिया गया है कि आपके इस पद के लिए आपको एन एच वन ही पढ़ना है तो अब हम बात करते हैं पद के बारे में तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए एक पद है और डिटेल जानकारी के लिए आपको एनएचर वन पे डिटेल जानकारी दी गई है वर्कशॉप सुप्रिटेंडेंट के लिए एक पद है और डिटेल जानकारी एनएजर थ्री पे दिया गया है जो फर्स्ट नंबर का पद है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन इस पद के लिए सैलरी की बात करें तो एक लाख चौवालीस हज़ार दो सौ से लेकर दो लाख अठारह हज़ार दो सौ है वर्कशॉप सुप्रिन्टेंडेंट के लिए सैलरी तिरपन हज़ार एक सौ से लेकर एक लाख सड़सठ हज़ार आठ सौ रुपये है इसी तरह पी जी टी टीचर में विभिन्न पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है लेकिन यह जो पद हैं केवल ओमेन के लिए हैं और के जी ट्रिपल एस में आवेदन आमंत्रित है सैलरी की बात करते हैं तो सड़सठ हज़ार छः सौ से लेकर एक लाख इक्यावन हज़ार एक सौ रुपये सैलरी है और हिंदी विषय में दो पद हैं बायोलॉजी में एक पद हैं और क्वालिफिकेशन के लिए एन एचर चार हैं पेज नंबर बाईस पे दी गई है इस पेज को पढ़ना है पी टी टीचर में कुल चार पद के लिए आवेदन आमंत्रित हैं केवल वोमेन के लिए ही है सैलरी चौवालीस से लेकर एक लाख बयालीस हज़ार चार सौ और चार पद हैं और विभिन्न सब्जेक्ट की बात करें तो साइंस इंग्लिश संस्कृत आर्ट एंड क्राफ्ट में एक एक पद पर आवेदन आमंत्रित हैं क्वालिफिकेशन अदर डिटेल जानकारी के लिए एन एक्जर पाँच आपको पढ़ना है और पेज नंबर बाईस पे दी गई है पीजीटी टीचर कंप्यूटर ओमेन के लिए कुल दो पद हैं सैलरी सेम है क्वालिफिकेशन के लिए एन एक्जर पाँच आपको पढ़ना है असिस्टेंट एल सिक्स का पद है और कुल पाँच पद पर आवेदन आमंत्रित हैं सैलरी पैंतीस से लेकर एक लाख बारह हज़ार चार सौ रुपये हैं डिटेल जानकारी पेज नंबर ट्वेंटी थ्री एनएचर सिक्स में डिटेल जानकारी दी गई है इस पद से रिलेटेड अकाउंटेंट के लिए तीन पद पर आवेदन आमंत्रित हैं डिटेल जानकारी एनएक्टर ट्वेंट थ्री पढ़ना है ट्वेंटी सिक्स नंबर पेज पे दी गई है सॉरी ट्वेंटी थ्री नंबर पेज पे डिटेल पे जानकारी दी गई है सैलरी सेम है जूनियर इंजीनियर के लिए जो आवेदन आमंत्रित हैं ओमेन कैटेगरी के लिए हैं और एनएचर थ्री पढ़ना है सेम पेज पर पे। सैलरी सेम है जूनियर इंजीनियर ओमेन के लिए जो है एक पद हैं और यहाँ पे भी जूनियर इंजीनियर के लिए एक पद है इन वोमन कैंडिडेट को प्रेफर किया जाएगा यहाँ पे दो पद हैं जैसे अब सब्जेक्ट की बात करें जूनियर इंजीनियर में तो एक तो पद है पब्लिक हेल्थ इलेक्ट्रिकल सिविल में आवेदन आमंत्रित हैं होटल सुपरवाइजर के लिए वोमेन कैंडिडेट के लिए एक पद है और एनएक्जेट थ्री पढ़ना है ट्वेंटी थ्री पेज पर डिटेल जानकारी है अब हम बात करते हैं लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन का एक पद है इसके लिए भी एनएक्जेट थ्री पढ़ना है ट्वेंटी पेज नंबर ट्वेंटी फोर पर जाकर असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए एक और पद है इस पद के लिए जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन का फर्स्ट पद है इसके लिए सैलरी की बात करें तो पैंतीस हजार चार सौ से लेकर एक लाख बारह हज़ार चार सौ रुपये हैं जो सेकेंड पद है असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए इस पद के लिए सैलरी पच्चीस हजार पाँच सौ से लेकर इक्यासी हज़ार एक सौ रुपये हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं जिसमें महिला को प्रेफर किया जाएगा कुल एक पद है और पेज नंबर चौबीस एनेक्जर थर्ड पढ़ना है डिटेल जानकारी के लिए स्टाफ नर्स के लिए कुल सिक्स पद हैं और पेज नंबर चौबीस में एन एक् जेड थ्री जो दी गई है वो डिटेल जानकारी आपको पढ़ना है सैलरी की बात करें तो पैंतीस हज़ार चार सौ से लेकर एक लाख बारह हज़ार चार सौ रुपये हैं जनरल कैटेगरी में थ्री पद हैं ई डब्ल्यू एस में एक है ए सी में वन है बी बी सी ए में एक पद हैं वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के लिए दो पद हैं पेज नंबर चौबीस पर डिटेल जानकारी दी गई है एन एक् थ्री में सैलरी पैंतीस हज़ार चार सौ से लेकर एक लाख बारह हज़ार चार सौ रुपये हैं टीचर के दो पद पर आवेदन आमंत्रित हैं जिसमें वोमेन कैंडिडेट को प्रेफर किया जाएगा सैलरी पैंतीस हजार चार सौ से लेकर एक लाख बारह हजार चार सौ रुपए है और सब्जेक्ट की बात करें तो आर्ट एंड क्राफ्ट और, एं और इंग्लिश दो सब्जेक्ट में आवेदन आमंत्रित हैं डिटेल डिटेल जानकारी जानकारी पेज नंबर में दी गई है इसके अलावा जे बी टी के जी ट्रिपल एस में तीन पद के लिए आवेदन आमंत्रित हैं सैलरी सेम है एल सिक्स के अनुसार पेज नंबर पच्चीस और एल सेवन में डिटेल जानकारी दी गई है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए कुल पाँच पद हैं सैलरी एल फोर के अनुसार पच्चीस हज़ार पाँच सौ से लेकर इक्यासी हज़ार एक सौ रुपये हैं और डिटेल जानकारी पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स एनएक्र एट में डिटेल जानकारी दी गई है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए दो पद हैं पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स में एनएक्र एट में क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल जानकारी पढ़ना है सैलरी पच्चीस हज़ार पाँच सौ से लेकर इक्यासी हज़ार एक सौ रुपये हैं ड्राइवर के लिए कुल तीन पद पर आवेदन आमंत्रित हैं क्वालिफिकेशन पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स एनएजर नाइन आपको पढ़ना है क्वालिफिकेशन और अदर डिटेल जानकारी के लिए इसी तरह से पंचकर्म टेक्नीशियन के लिए कुल एक पद है और एन एक्ज थ्री पेज नंबर सत्ताईस पे आपको पढ़ना है सैलरी सेम है पंचकर्म असिस्टेंट के लिए दो पद हैं पेज नंबर सत्ताईस में एन एक्ज थ्री आपको डिटेल जानकारी पढ़ना है अकाउंट कलर के दो पद हैं और पेज नंबर सत्ताईस एन एक्ज थ्री क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल जानकारी पढ़ना है इस पद के लिए क्वालिफिकेशन सॉरी सैलरी की बात करें तो उन्नीस से लेकर तिरसठ हज़ार हैं क्लर्क के लिए कुल फिफ्टीन पद पर आवेदन आमंत्रित हैं उन्नीस हज़ार नौ सौ से लेकर तिरसठ हज़ार दो सौ रुपये पर मंथ सैलरी है क्वालिफिकेशन और डिटेल जानकारी के लिए पेज नंबर सत्ताईस में एनएक्र फोर आपको पढ़ना है लाइव अटेंडेंट के लिए कुल फिफ्टीन पद पर आवेदन आमंत्रित हैं यानी लाइव अटेंडेंट के पंद्रह पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हैं सैलरी से सेम है पेज नंबर सत्ताईस में -4 है एनएक् जर फोर आपको पढ़ना है डिटेल जानकारी के लिए अटेंडेंट डार्क रूम के लिए एक पद है और पेज नंबर अट्ठाईस में एनएक्जर थ्री आपको पढ़ना है सैलरी सेम है और इसमें वोमन कैंडिडेट को प्रेफर किया जाएगा अब हम बात करते हैं लाइब्रेरी अटेंडेंट पद के लिए एक पद है और पेज नंबर अट्ठाईस में एनएक्जर थ्री क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल जानकारी पढ़ना है सिक्योरिटी गार्ड के लिए कुल छः पद हैं और पेज नंबर अट्ठाईस में एनएक्टर दस जो है इस पद से रिलेटेड डिटेल जानकारी उसमें दी गई है सैलरी सोलह हज़ार नौ सौ से लेकर तिरपन हज़ार पाँच सौ रुपये हैं गेट कीपर के लिए कुल पाँच पद पर आवेदन आमंत्रित हैं पेज नंबर अट्ठाइस में एनएक्ज दस आपको पढ़ना है डिटेल जानकारी के लिए और इस पद के लिए सैलरी सेम है चौकीदार के लिए एक पद है सेम सैलरी है और पेज नंबर अट्ठाईस में एनएक्ट टेन पढ़ना है इस पद के लिए इसी तरह पंप ऑपरेटर के लिए एक पद है और पेज नंबर अट्ठाइस में यानी सेम है इस पद के लिए अब हम बात करें रीजनल सेंटर जींद के लिए जो आवेदन आमंत्रित हैं इसमें तो इसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए एक पद है और पेज नंबर ट्वेंटी है सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट के एक पद है पेज नंबर बाईस एनेड पढ़ना है <coughs> <coughs> सॉरी असिस्टेंट के लिए एक पद है पेज नंबर तेईस में पर क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल जानकारी दी गई है कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स पर एनएक्जर सिक्स में डिटेल जानकारी दी गई है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए दो पद हैं पेज नंबर पच्चीस और एनएक्जर थर्ड में डिटेल जानकारी दी गई है सैलरी पच्चीस हजार चार सौ से लेकर एक लाख बारह हजार चार सौ रुपये हैं क्लर्क कम डी के लिए पाँच पद पर आवेदन आमंत्रित हैं सैलरी उन्नीस हजार नौ सौ से लेकर तिरसठ हजार दो सौ रुपये हैं और एनएक्जर सिक्स पढ़ना है पेज नंबर सत्ताईस पे डिटेल जानकारी दी गई है लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए पेज नंबर अट्ठाईस एनएक्जर थ्री पढ़ना है डिटेल जानकारी के लिए सिक्योरिटी गार्ड के लिए पेज नंबर अट्ठाईस में एनएजर टेन पढ़ना है और सिक्योरिटी गार्ड के लिए सैलरी सोलह हज़ार नौ सौ से लेकर तिरपन हज़ार पाँच सौ रुपए हैं इसी तरह से रीजनल सेंटर रेवाड़ी में आवेदन आमंत्रित हैं जिसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एक पद हैं पेज नंबर ट्वेंटी वन वन एनेजर सेकेंड पढ़ना है सुपरिटेंडेंट so, के लिए एक पद है पेज नंबर बाईस में एनेजर सेकेंड पढ़ना है सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट के एक पद हैं और पेज नंबर बाईस में एनेजर थ्री पढ़ना है असिस्टेंट के लिए दो पद हैं पेज नंबर ट्वेंटी थ्री में एनेक्जर सिक्स डिटेल जानकारी पढ़ना है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए पेज नंबर पच्चीस में एनेक्जर थ्री डिटेल जानकारी पढ़ना है कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स एनेक्जर सिक्स पढ़ना है आपको कलर कम डी के लिए एक पद के लिए पेज नंबर सत्ताईस एनएक्चर सिक्स पढ़ना है लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए एक पद है पेज नंबर अट्ठाईस एनएक्जर थ्री में डिटेल जानकारी दी गई है डिटेल जानकारी पढ़ना है या फिफ्टी एट पेज का एडवर्टाइजमेंट है और सभी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल जानकारी बताने में बहुत टाइम लगेगा इसलिए आपको क्या करना है कि जो पेज नंबर बताया गया है उस पेज नंबर पर पे जाकर डिटेल जानकारी आपको पढ़ना है अप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना है इसके लिए वेबसाइट का पर जाना है वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा साथ ही व्हाट्सअप ग्रुप में या नोटिफिकेशन में सेंड कर दूंगा आप चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से पढ़ लेना है उसके बाद ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है है इसके लिए सभी डिटेल गाइडलाइन पे दी गई इस चैनल को प्रमोट करने के लिए आपको रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज्यादा जा से ज्यादा शेयर किया जाए यानी इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड की जाती है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए और आपके लिए डेली में नए सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो लाता हूं तो आपको